All right. Good evening once again, students. So today we'll start with the last chapter of your revision lecture, which is nothing but probability. The favorite chapter of the students. सभी लोग इस चैप्टर को पसंद करते हैं बिकॉज काफी सिंपल चैप्टर है और पढ़ने में भी मजा आता है बच्चों को. ओके, तो आज मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, मतलब जो भी है प्रोबेबिलिटी के, है ना. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम क्या कवर करेंगे, हम आपको बताएंगे कि क्या मिस्टेक्स आप करते हैं एग्जाम में, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू यूजुअली डू. ओके, वो भी मैं बताऊंगा. डोंट फील कि सर क्या इतना सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वी नो, है ना. ऑलराइट, चलो शुरू करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टडी द सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स. हाँ, सम्स नहीं करते हैं, पहले हम थोड़ा एक सैंपल स्पेस देख लेते हैं हर एक टॉपिक का. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू कॉइन्स, सॉरी सिंगल कॉइन, तो एक सिंगल कॉइन अगर मैंने टॉस किया, व्हाट कैन बी द सैंपल स्पेस. सैंपल, उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, है ना. ये दो ही पॉसिबिलिटीज है. तो सैंपल स्पेस बनेगा मेरा एक्स कॉमा टी. ये कॉमा लिखना कंपल्सरी एंड दिस कर्ली ब्रैकेट इज ऑल्सो कंपल्सरी. फाइन, ये हो गया वन कॉइन का केस. If I have two coins, so n of s कितना हुआ? Two हो गया. Total number of elements I have two. What is n of s, students? N of s is nothing but number of elements in your sample space. इसका full form क्या है? Number of elements in your sample space. ठीक है? So similarly, if I have, let us say, two coins and both the coins I have to toss it at a time. एक ही time पे अगर मैं toss कर रहा हूँ, तो क्या हो सकता है sample space? हाँ. ये आप सभी लोगों ने बाय हार्ट किया हुआ है और एग्जाम्स में मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन वेल इन प्रोबेबिलिटी. इनफैक्ट सेमी प्रीलिम वन में आपका एलजेब्रा में स्कोर अच्छा आया बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी. या सो द सैंपल स्पेस इज HH, XT, TH, TT. ये आप लोग बाय हार्ट कर लीजिए बिकॉज इसका एप्लीकेशन आपको थ्री कॉइंस में भी है. अगर आपका दो कॉइन का बाय हार्ट हो गया है तो तीन कॉइन का तो इजीली हो जाएगा. वो एक ट्रिक से हमने आपको बाय हार्ट करवाया था, इफ यू रिमेम्बर. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी हैव? 1, 2, 3, 4, राइट. तो एन ऑफ एस कितना हो गया? एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4. अब अगर मुझे तीन कॉइन्स का करना है, चलो तीन कॉइन का देखते हैं. सो तीन कॉइन के लिए क्या ट्रिक बाय हार्ट किया है बच्चों हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सैंपल स्पेस दो कॉइन का बाय हार्ट होना चाहिए उसके. हाँ, तो दो कॉइन का आपने लिख लिया यहाँ पे HH, XT, TH, TT. दिस यू हैव टू राइट इट ट्वाइस. दो बार लिख दिया. अब फर्स्ट वाले में आप क्या करेंगे? HHH कॉपी कर लेंगे. हर एक एलिमेंट को आप HHH लिख लो. फर्स्ट फोर एलिमेंट्स के पास आप HHH लिख दो एंड में, एंड लास्ट फोर एलिमेंट्स में आप TTT लिख दो लास्ट में. सो हो गया आपका थ्री कॉइन्स का सैंपल स्पेस. सिंपल है, काउंट करो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. एट. अब यहाँ पे बाय द वे मेरा कॉमा लिखना बाकी है. अगर आप कॉमा नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाएगा. ठीक है, तो ये कॉमा मेंशन जरूर करना. तो एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 8. नेक्स्ट, अगर मेरे पास वन डाय है, वन डाय तो बड़ा सिंपल है बच्चों. व्हेन लॉकडाउन स्टार्टेड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वर प्लेइंग लूडो किंग, राइट. काफी पॉपुलर हो गया था ये गेम लॉकडाउन में, कोविड में, है ना. सो वहां पे डाई यूज होता है. कितने हैं उसमें, क्या क्या है पॉसिबिलिटीज? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज अ यूजुअल डाई. हाँ, एक यूजुअल डाई में इतना ही होता है. तो कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दैट मींस एन ऑफ एस वी हैव इज इक्वल्स टू 6. इजी है. व्हेन टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, when two dice are thrown together, तो इसका क्या हो सकता है सैंपल स्पेस बच्चों? देखो यहाँ पे आपको लिखने के लिए एक टेक्निक हमने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, वापस रिवाइज करवा देता हूँ. आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी के सीरीज लिख सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, पहले ये वन का मैं सीरीज लिख रहा हूँ, ठीक है ना. ये लेफ्ट वाला नंबर देखो, लेफ्ट वाला नंबर मेरा कॉन्स्टेंट है. इफ यू ऑब्जर्व, ये लेफ्ट वाला नंबर मैंने कॉन्स्टेंट रखा, 1, 1, 1, 1, 1, 1 लिखा और राइट में कॉमा लिख के 1, 2, 3, 4, 5, 6. नाउ व्हाट मिस्टेक यू माइट डू इट स्टूडेंट्स,
इसको ना एक ब्रैकेट में लिखा है मैंने 1.1, ये सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1.1। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो मिस्टेक हो जाएगा ना, तब ये दो डिफरेंट एलिमेंट लगेगा। सो डोंट डू इट लाइक दैट, एक ब्रैकेट में लिखो 1.1, 1.2, डू यूज ब्रैकेट्स। फाइन, आई विल टेल यू द मिस्टेक्स व्हाट यू डू। नेक्स्ट 2 का सीरीज लिखना है, व्हाट आई विल डू, अभी यहाँ पे 2 देखो, 2 मैंने लेफ्ट में जो नंबर है उसको कॉन्स्टेंट रखा है, और राइट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिया, और बीच में कॉमास लिखना जरूरी है, और अगेन ये ब्रैकेट्स लिखना जरूरी है। सिमिलरली 3 का सीरीज, 4 का सीरीज, 5 का सीरीज एंड 6 का सीरीज। नाउ ऑलवेज स्टार्ट योर सैंपल स्पेस विद अ कर्ली ब्रैकेट एंड एंड विद अ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब किसी बच्चे ने मुझे चैट बॉक्स में लिखा है 6.6 की जगह 66 लिख दिया है, उसने आंसर कैसे दिया है 26, 36। So this is how it looks like. If you don't use the this comma na, it looks like 11. 11 thode na hai uska. Answer mein ye 11 thode aata hai. It is 1.1. Now the most avoided part. Yahan pe comma nahi likhte bachche. Ye commas agar aap avoid karoge, nahi likhoge, then half of the marks will be deducted. Aisa lagta hai bahut ye minor hai sir. Isme kya marks deduct karenge? हाँ होता है लेकिन, ठीक है, टाइम लगता है इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अच्छा समझा, कौन था ये, नंदिनी, या नंदिनी, आई गॉट इट। इफ यू काउंट हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यू हैव, इसको अब काउंट करने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करो, 6 × 6 इट इज 36। तो दिस वॉज यूजुअल डाई। इफ आई हैव अनदर डाई विच इज नॉट अ यूजुअल डाई, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, अगर ये एक ऐसा क्वेश्चन है आपके बुक में जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस भी जीरो से स्टार्ट होगा। मतलब एक डाई आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो है और एंडिंग पॉइंट 5 है, ओके। तो पहले आपने जीरो का सीरीज लिख दिया, जीरो देखो फर्स्ट इसमें रो में कॉन्स्टेंट है, एंड देन 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आपने 1 का सीरीज लिखा, देन 2 का सीरीज, 3 का सीरीज, 4 का सीरीज एंड 5 का सीरीज। यहाँ पे 6 का सीरीज नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे 6 प्रेजेंट ही नहीं है। हाँ, अवॉइड दिस थोड़ी सी डायग्राम, यहाँ पे ये 1-1 दिख रहा है, इसको आप अवॉइड करो। अगेन इसको आप ब्रैकेट में लिखना एंड ये वाले कॉमा जरूर लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट हो सकते हैं। नाउ अगेन इफ यू काउंट, यू हैव 6 रोज एंड 6 कॉलम्स, इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट 36। सैंपल स्पेस बन गया मेरा 36। The difference between this die and that die was, this was not a usual die. Previous die was a usual die. Unusual die होगा तो वो mention करेंगे उसका starting point क्या है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे end हो रहा है, वो mention करेंगे जरूर, ठीक है। एक second ना बच्चों, just give me a minute. कोई कोई में होता है सेम नंबर रिपीट नहीं होता, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अच्छा नंदिनी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो जरूर भेजना मुझे। व्हेन वन कॉइन एंड वन डाई, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर। वन कॉइन एंड वन डाई, एंड आई विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू स्टूडेंट्स डू स्टूडेंट्स। हाँ देखो, अब मुझे इसका ये लिखना है, सैंपल स्पेस लिखना है, तो हेड और वन H1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेड के साथ 2 जाएगा, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। तो हेड के मैंने सारी पॉसिबिलिटीज लिख दिए। टेल का क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, द ओनली थिंग, द ओनली मिस्टेक यू माइट डू इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व व्हाइल चेकिंग द पेपर्स, मेनी ऑफ यू राइट H.1। H.1 क्यों लिख रहे हो भाई, किस खुशी में? अगर आप H.1 लिख रहे हो तो आप ये दोनों एलिमेंट्स को डिफरेंट बता रहे हो। अगर H.1 लिखना भी है तो उसको एक ब्रैकेट में लिखो ना, देन यू कैन से हाँ कि वो एक सिंगल एलिमेंट है, राइट। जैसे कि हम 1.1, 1.2 एक एक ब्रैकेट में लिख रहे थे। हाँ, तो अगर आपको कॉमा यूज करना है तो H.1 1 ब्रैकेट, H.2 1 ब्रैकेट वैसे लिखो, या तो ये भी चलेगा। Fine. So don't do this mistake that you have done in your prelims. I hope all of you have got the prelim paper. अगर नहीं मिला है तो आप अपने सेंटर से बात करके ले सकते हैं। So this is your total NFS. If you count, it is nothing but 12. ठीक है?
तो मिस्टेक्स पे ध्यान देना बच्चों, कंसेप्ट तो इजी है. ओके नाउ नेक्स्ट, टू फॉर्म अ टू डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5 and 8 सच दैट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. अच्छा बाय द वे टिल हियर एनीबॉडी इज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, ये प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट था क्या? सर दिस सेम कैन बी डन इन द लास्ट सम लाइक 11 12 विदाउट ब्रैकेट्स. नो 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 के सो हम नहीं कर सकते. 11 12 कैसे चलेगा, रॉन्ग हो जाएगा ना. वही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, 1, 1 लिखना होता है उसमें और एक ब्रैकेट में. ठीक है नंदिनी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टाइप क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू टीच नाउ. ओके गॉट इट. ओके हाँ, नाउ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसका हम दो क्वेश्चन लेंगे, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एंड वन व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो लेट अस से द नंबर्स अवेलेबल आर, बाय द वे वी आर नॉट डूइंग एनी सम्स राइट नाउ, सम्स जब आएगा तब बताऊंगा. आप थोड़ा कंसेप्ट बिल्डिंग कर ले रहे हैं, सैंपल स्पेस वगैरह सब सीख ले रहे हैं अभी. ओके तो यहाँ पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड और बोल रहे हैं कि दो डिजिट का नंबर बनाना है. तो स्टूडेंट्स टेल मी, टू डिजिट नंबर क्या 02 एक टू डिजिट नंबर होगा? Will 02 be a two-digit number? Soham नहीं बोल रहे, Soham no, Keshav, Lester, Krishnai, Arshil, all of you are saying no. Good, है ना? तो 03 भी नहीं होगा, 04, 05, 08, all these numbers are not two-digit number because अगर एक number के पहले 0 आता है तो वो two-digit नहीं होता, वो single digit ही होता है. तो हम क्या इसे start कर सकते हैं? We can start with 2020. ये मेरा पहला element हो सकता है. 22 we should not consider. Why? Because question में बोला है repetition of the digit is not allowed. So 22 we are not going to consider. Okay. तो next क्या बनेगा फिर? 23 आएगा. Then 24. Then 25. Then 28. तो basically you can see हम क्या कर रहे हैं? मैंने 2 का 2 number लिया. 20. उसके बाद right में सारे numbers. 20, 23, 24, 25. 28, ये मैंने हर एक नंबर्स के साथ उसका पेयरिंग बना दिया, है ना? उसके खुद के साथ पेयरिंग नहीं बना सकते because repetition is not allowed. Now we'll take 3 को पेयर कर दो बाकी रेस्ट ऑफ दी नंबर्स के साथ. 30, 32, 34, 35, 38, सिमिलरली 4 ले लो, 4 को पेयरिंग बना दो रेस्ट ऑफ दी नंबर्स के साथ और एक सिंगल डिजिट नंबर बना के लिखो. देन 5 ले लो, 5 को पेयरिंग बना दो हर एक नंबर के साथ, सिंगल डिजिट नंबर बना के लिख दो उसको. एंड 8 का भी सेम तरीके से लिखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स इफ यू आर राइटिंग इन दिस वे ओनली, मतलब सेम टू सेम यही, मतलब एक लाइन में आपने 2 का सीरीज लिख दिया, देन 3 का, 4 का एंड 5 का एंड 8 का, अगर आप यहाँ पे कॉमर्स नहीं डालोगे ना तो मार्क्स आपके कैंसिल हो सकते हैं. ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, माइनर चीजें जो बच्चे नहीं करते. यहाँ पे आपको कॉमर्स डालना जरूरी है. ऑलवेज स्टार्ट विद कर्ली ब्रैकेट, एंड विद कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ इसको उसके बाद काउंट कर लो कितना है. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5 तो कितना होगा? 5 5s are 25, राइट? सो आंसर हैज टू बी 25. सिंपल है, किसी को कोई डाउट है इसमें? तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर रिपीटेशन इज अलाउड. द सेम नंबर आई एम गिविंग यू स्टूडेंट्स, सेम नंबर आई एम गिविंग यू. सो टेल मी, रिपीटेशन अलाउड मतलब कौन से नंबर इंक्लूड करने पड़ेंगे? प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कौन से नंबर इंक्लूड करने पड़ेंगे? यस, सोहम, कृष्णई, नंदिनी, केशव, सभी लोगों ने एक सेकंड, यहाँ पे 8 भी है बाय द वे. हाँ 8 भी है. 22, 33, 44, 55, 88. 5 मोर एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी एडेड इन द प्रीवियस केस. प्रीवियस केस में वी हैड 25 एलिमेंट्स, टोटल एन ऑफ एस वॉज 25 विदाउट रिपीटेशन. रिपीटेशन में 5 एलिमेंट्स और एड हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 30 आ जाएगा. समझा? प्रीवियस जो था वैसा ही है, बस ये 5 एलिमेंट्स आपको एड करके लिख देते हैं, दैट्स इट. ज्यादा फर्क नहीं है इसमें. ओके, एनीबडी इज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन में तो अभी पूछ लो, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड. ऑलराइट, सो सेमी प्रीलिम 1 में आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट आउट ऑफ मार्क्स आल्सो. आई हैव ओनली चेक द पेपर्स.
काफी अच्छा किया था आपने, 4 मार्क्स में प्रोबेबिलिटी के भी थे क्वेश्चंस, सभी ने सही किया था वैसे, ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन वेल। लेट्स स्टार्ट विद द बॉल इज टू बी पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स 3 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। ओके चलो, ये हमारा एक बास्केट है या बॉक्स है, सॉरी बॉक्स में सारे बॉल्स हैं, एक रैंडम बॉल निकालना है उसमें से, है ना। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चे इसमें, इन सच सम्स यू हैव टू राइट वन गिवन, सॉरी गिवन नहीं, अजम्पशन वाला स्टेटमेंट लिखना होता है कि लेट R1, R2, R3 बी द रेड बॉल्स, B1, B2, B3 बी द ब्लू बॉल्स एंड W1, W2, W3 बी द व्हाइट बॉल्स, राइट। तो वो सब लिखना होता है एंड सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा आपका बच्चों, जो भी बॉल्स है ना हमारे पास वो सारे लिखो सैंपल स्पेस में, R1, R2, R3, W1, W2, W3, और एक कॉमास डालना मत भूलना बच्चों, वरना मिस्टेक हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ओके सो टोटल कितने बॉल्स है हमारे पास, 9 बॉल्स हैं, तो सैंपल स्पेस भी 9 ही होगा, सिंपल है बच्चों। ओके शैल वी मूव अहेड स्टूडेंट्स, सम्स अभी तक आए नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 men and 2 women वाला सम है ना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो स्टार देना है आप दे दीजिए, आने के काफी ब्राइट चांसेस होते हैं इसके। ओके क्या है यहाँ पे, पेयरिंग बनाना है, ठीक है। फ्रॉम 3 men M1, M2 एंड M3 एंड 2 women W1 एंड W2 अ कमिटी of 2 is to be formed in the following ways. This was, by the way, asked in your semi-prelim 1 in the form of activity-based question, if you remember. Okay? So, chalo, pairing banana hai mujhe. So, M1, M2 mera first pairing hoga. Then, M1, M3. Then, M1, W1 and M1, W2. So, basically, pairing jo hogi right-hand side person ke saath hi bante jayegi. Okay? If you see in this sub. M2 ka pairing karna hai, dekho. M2 का पेयरिंग लेफ्ट वाले के साथ ऑलरेडी हो गया था M1 M2, सो वी कैन नॉट राइट इट वंस अगेन, हाँ तब राइट हैंड साइड के साथ करते हैं M2 M3 M2 W1 M2 W2, राइट हैंड साइड मूव इन द राइट हैंड साइड ओनली। M3 का पेयरिंग ये दोनों के साथ ऑलरेडी हो चुका है, राइट वाले बचे हैं M3 W1 M3 W2, W1 का पेयरिंग ऑलरेडी इन सबके साथ हो चुका है, एक ही पॉसिबिलिटी है विच इज W1 W2। काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बाय द वे डोंट राइट M1, M2, M1, M3, गलत हो जाएगा बच्चों, ये सिंगल एलिमेंट है ना, हमें पेयरिंग बनानी है, पेयरिंग करके वो सिंगल एलिमेंट दिखना चाहिए, सो राइट इट लाइक दिस। ओके इफ यू काउंट दिस यू विल गेट N(S)=10, फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। Okay, let's move ahead to it. Practice set 5.2. Now we are going to start with the questions. Again, this question was asked in your semi prelim, and most of you have made mistake in this question. Most of you. I'll tell you why. I'll also explain. क्या confusion हो गया था बच्चों को? In the month of March 2019, find the days on which the date. Yes, Lester correctly said the date is a multiple of 5. See the given page. By the way, they will be giving you this. We are not Vedic mathematician. हम लोग शकुंतला देवी नहीं कि 2019 मार्च 2019 में कौन से डेज होंगे हमें पता होगा, नहीं हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है। नाउ मल्टीपल ऑफ फाइव आता है सबको, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में ही, इफ यू वॉन्ट यू कैन जस्ट मार्क इट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, डोंट ड्रॉ दिस इन योर फेयर वर्क। हाँ अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, लिखना है, देखो बहुत सारे बच्चों ने सैंपल स्पेस में दे रोट 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखो डेज और डेट्स में फर्क होता है, डेज व्हेन आई से डेज संडे मंडे ट्यूजडे राइट, एंड व्हेन आई से डेट, डेट मींस 5, आज डेट क्या है, आज 5th है, आज 6th है, तो डेट और डेज में फर्क होता है बच्चों, तो क्वेश्चन इसलिए ढंग से पढ़ना होता है।
Now, if the examiner is smart enough now, so he will just twist this question. Instead of days, he will write date. तो अभी आपने टेक्सटबुक का रटा रटाया पढ़ा होगा तो आप मिस्टेक कर दोगे. सो मैथ्स में इसलिए बाय हार्ट नहीं करते बच्चों, थोड़ा सा समझ के करना होता है, क्वेश्चन समझना होता है, दैट्स इट. बाकी कंसेप्ट क्लियर है तो इट इज नॉट अ बिग टास्क. तो चलो, फाइव के सामने कौन सा डे आ रहा है? ट्यूजडे आ रहा है, सो वी विल राइट ट्यूजडे. टेन के सामने इट इज संडे. देन फिफ्टीन के सामने इट्स फ्राइडे. देन वेडनेसडे के सामने इट्स सॉरी 20 के सामने वेडनेसडे आ रहा है, 25 के सामने मंडे एंड 30 के सामने सैटरडे. सो हाउ मेनी आर देयर? सिंपल स्पेस वी हैव टोटल n ऑफ s इज इक्वल्स टू 6. नाउ स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन मे अराइज इन योर माइंड, लिसन टू दिस क्वेश्चन केयरफुली, दैट व्हाट इफ सर वी हैव टू डेज सेम, लाइक फॉर एग्जांपल 5th को भी सैटरडे आ रहा है एंड लेट अस से 15th को भी सैटरडे आ रहा है. हाँ, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन दिया, 2019 का नहीं, कुछ और क्वेश्चन दिया और दोनों डेज अगर सेम आ गए तो क्या करना होगा उसमें? दोनों डेज सेम आ रहे ना, लिखो, बट डोंट राइट इट इनसाइड अ कर्ली ब्रैकेट. स्टूडेंट्स, 9th स्टैंडर्ड में यू हैव लर्नड अ चैप्टर कॉल्ड एज सेट, SETS, इफ यू रिमेंबर. वहां पे रूल क्या है? रूल है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. यस ऋषभ, वेरी गुड. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, इफ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स. तो ये तो सेट ही लिख रहे हैं हम, एक्चुअली दिस इज नथिंग बट सेट्स ओनली. यहां पे रिपीटेशन नहीं लिख सकते. तो अगर सेम एलिमेंट आ रहा है ना तो उसको कर्ली में ब्रैकेट में मत लिखना. बस एस इज इक्वल टू लिखो बट कर्ली ब्रैकेट में मत लिखो. हाँ, ठीक है. यस कृष्ण, करेक्टली सेट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके, हाँ, नाउ लेट्स स्टार्ट. रोलिंग ऑफ अ डाई में आपका सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 से लेकर 6 का बनता है. ठीक है, अब मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं स्टूडेंट्स. प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ना, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू इज, इवन इफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट आस्क्ड, स्टिल दे डू इट, लाइक प्रोबेबिलिटी का सम कंसीडर करके सॉल्व करके आते. मेनी अ टाइम्स दे विल जस्ट आस्क यू अबाउट द इवेंट, और मेनी टाइम्स दे विल जस्ट आस्क यू अबाउट द पॉसिबिलिटी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. अगर आप चैप्टर को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा दोनों में फर्क क्या है. ठीक है, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू प्रोबेबिलिटी का. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला जो आपको ऑलरेडी पता है, लेट अस से आई हैव अ सैंपल स्पेस ऑफ अ डाई व्हिच इज, लेट अस से आई हैव, एक सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट अ सेकंड. हाँ, शुरू करते हैं. सो लेट अस से मेरे पास ये एक रोलिंग ऑफ अ डाई है 1 से लेके 6, और क्वेश्चन में पूछा है कि इवन नंबर्स. सो इवन नंबर्स क्या होता है हमारा? 2, 4, 6, राइट? तो एन ऑफ ए मेरा आ गया 3. अब प्रोबेबिलिटी पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ अ डाई इज रोल्ड एंड आई गेट अ इवन नंबर? दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो वेन एवर यू सी दिस वर्ड प्रोबेबिलिटी इन द क्वेश्चन, देन एंड देन ओनली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. P of A is equals to N of A upon N of S, where N of A is nothing but your number of elements of the event. वो N of A का event में कितने elements थे? There were 3 elements, right? So we'll write 3. N of S means number of elements in the sample space, which was 6. So 3 by 6, 3 1 जा, 3 2 जा, answer will be 1 by 2. So P of A आपको 1 by 2 आएगा. Is this clear, students? Probability का formula तभी ही use करेंगे जब प्रोबेबिलिटी वर्ड आप देखेंगे क्वेश्चन में. हाँ, अदरवाइज इवेंट फाइंड करके आप छोड़ सकते हैं उसको. ठीक है, चलो नेक्स्ट.
अगेन मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो हम जो भी क्वेरी पूछना है एक बार आप टाइप कर दो. सर सो इज दैट सम द होल सैंपल स्पेस विल बी विदाउट कर्ली ब्रैकेट रिपीटेशन. अच्छा सो हम वहां पे जो रिपीटेशन वाला जो बोला था मैंने 22 33, वहां पे वो सिंगल एलिमेंट दो बार थोड़े आ रहा था. 22 दो बार लिखा था क्या मैंने? चेक करना सोहम. 22 दो बार नहीं था ना, 33 दो बार नहीं था, एक ही बार था. तो वहां पे हम कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे. बट अगर कोई भी सम में एक सिंगल एलिमेंट रिपीट हो रहा है तब हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखेंगे. ठीक है सोहम, आई होप सो योर डाउट इज क्लियर नाउ. या इन अ गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है. All these are equally likely outcomes. Find the probability that it will be resting at A. हमारे क्वेश्चन से. So such question can be asked for 4 marks. चार इवेंट के बारे में पूछा है. I think ये क्वेश्चन भी आया था आपके सेमी प्रीलिम में. ठीक है. So let us solve. देखो यहाँ पे the word probability is used ना. They are asking us about probability. So we will find probability. Upon में answer लिखेंगे इसको. ठीक है. फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का. सैंपल स्पेस इज क्वाइट इजी. 1 से लेके 8 तक लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना. एन ऑफ एस मेरा 8 हो गया. फर्स्ट क्या है? रेस्ट एट 8. 8 पे रेस्ट कितनी बार होगा? वो एक बार स्पिन किया मैंने तो 8 पे रेस्ट कितनी बार होगा बच्चों? वो एक ही बार होगा ना. कर्ली ब्रैकेट में 8 आएगा. आई विल टेल यू द मिस्टेक डन बाय यू स्टूडेंट्स. क्या मिस्टेक करेंगे आप लोग? देखो एन ऑफ ए मेरा 1 है. बहुत सारे बच्चे एन ऑफ ए यहाँ पे 8 लिखेंगे. अरे वो एलिमेंट है, एलिमेंट वहां पे 8 है और उसका वो काउंट कितना? एक ही गया ना काउंट. एन ऑफ ए यहाँ पे 1 आएगा. एंड मेनी ऑफ यू व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट कंटिन्यू द मिस्टेक. एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस में 8 अपॉन 8 लिखेंगे और आंसर 1 लिख के आएंगे. रॉन्ग हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा. दिव्य क्या पूछ रहा है वापस से पूछ ले एक बार, मैंने मिस किया तुम्हारा क्वेश्चन. प्लीज टाइप इन योर क्वेरी वंस अगेन. So this 8 was an element. वो एक element था. वो कितना element था? एक ही element था ना. तो इसलिए n of a कितना हुआ? 1 हुआ. और n of s कितना था? हमारा 8 था. इसलिए answer क्या आया? 1/8. Direct s is equals to start किया तो चलेगा. S is equals to sample space for the game. हाँ वैसे तो चलेगा दिव्य. हाँ वैसे तो चल जाएगा. हाँ समझा मैं दिव्य तुम्हारा question समझा. हाँ पर अगर ये लिखोगे तो अच्छा है, थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज अच्छा दिखता है. हाँ बट लॉजिकली यू आर करेक्ट. चलना चल जाएगा वैसे. P of A is equal to 1/8 आएगा. ओके ऑड नंबर, ऑड नंबर चाहिए. अब यहाँ पे 1 से लेके 8 के बीच में कौन सा ऑड नंबर है? अभी बाय द वे यू हैव टू राइट दिस लाइन. लेट बी बी द इवेंट दैट द एरो विल रेस्ट एट ऑड नंबर. हाँ यू कांट अवॉइड दिस लाइन. हाँ ये लिखना पड़ेगा आपको. सो आपका ऑड नंबर आ गया 1, 3, 5, 7. ठीक है. कितने एलिमेंट्स हो गए काउंट करो. 1 2 3 4 फोर एलिमेंट्स है. अरे कृष्ण इट्स नॉट एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 4, इट्स एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4. सो पी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस विच इज नथिंग बट 4/8. उसको आप कैंसिल करोगे आंसर क्या आएगा? 1/2. 4 1s are 4 2s. ठीक है. थर्ड इवेंट देखते हैं. अ नंबर ग्रेटर देन 2 बड़ा इजी है. लेट सी बी द इवेंट. Let C be the event that the arrow will rest at a number greater than 2. अब 2 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, right? तो ये सारे नंबर्स आप अपने इवेंट में लिखोगे. कॉमा यूज जरूर करना. तो n of C कितना हो गया काउंट करो. 6 आएगा. अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो प्रोबेबिलिटी विल बी n of C अपॉन n of S विच इज नथिंग बट 6/8. इफ यू कैंसल दिस 2 3s are 2 4s are. सो 3/4 आएगा आंसर. ठीक है. लास्ट इवेंट क्या है? नंबर लेस देन 9. लेस देन 9 क्या है? ये सारे नंबर लेस देन 9 है ना. 1 इज आल्सो लेस देन 9, 8 इज आल्सो लेस देन 9. ऑल द नंबर्स प्रेजेंट ओवर हियर आर लेस देन 9. तो मतलब मेरा लेट अस से डी इज द इवेंट. डी इज द इवेंट ऑफ लेस देन 9. सो डी में सारे मेरे सैंपल स्पेस आ जाएंगे 1 से लेके 8 तक. सो एन ऑफ डी कितना हुआ? 8 हुआ. 8 एलिमेंट्स हैं. So P of D will be N of B upon N of S. So 8/8.
एट बाई एट क्या होता है, कैंसिल करेंगे आंसर वन आता है, कैंसिल करेंगे आंसर वन आता है। हाँ यस कृष्ण सही बोला एकदम, सर्टन इवेंट। नाउ लेट अस से द क्वेश्चन इज अ नंबर ग्रेटर देन नाइन, ये लेस देन की जगह अगर मैंने ग्रेटर देन नाइन लिख दिया तो क्या आना चाहिए आंसर, चलो टेल मी इन द चैट बॉक्स। हाँ जीरो इम्पॉसिबल इवेंट, यस कृष्ण वेरी गुड, नल सेट भी बोलते हैं उसको, केशव सिंह जी सही बोला एकदम अथर्व, नल सेट यस, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं है ना, नौ से बड़ा नंबर है ही नहीं यहाँ पे इसमें, ठीक है गुड। हाँ लास्ट लाइट क्यों चाहिए सुहम, व्हाई यू वांट द लास्ट लाइट, चलो नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कुछ लिखने बोला ही नहीं अभी तक, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी है, आई हैव नॉट टोल्ड यू टू राइट एनीथिंग राइट नाउ, ठीक है। आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए बाय द वे, ओपन 115 पेज नंबर ऑफ योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स। हाँ मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट आपका टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन शेयर दिख रहा है आई होप सबको, ये आपको बाय हार्ट कर लेना है। देर आर टोटल 52 कार्ड्स जिसमें 26 आपके रेड कार्ड्स है और 26 आपके ब्लैक कार्ड्स है ना, यू हैव 13 हार्ट कार्ड्स, 13 डायमंड कार्ड्स, 13 क्लब कार्ड्स एंड 13 स्पेड कार्ड्स, ठीक है। ये अगर आप चाहो तो ऐसे बाय हार्ट कर लो, या तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको यहाँ पे ऐसे बाय हार्ट कर लो, ओके। सो टोटल 52 कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स, फाइन। और उसमें भी 13-13 पार्ट, 13-13 में ऐसे चार पार्ट्स में डिवाइड किया है, ओके। स्पेड क्लब डायमंड हार्ट, हाँ स्पेड क्लब डायमंड हार्ट आपको पता होना चाहिए, ये आपका हार्ट है, ये आपका डायमंड है, हाँ ये आपका क्लब है, ये आपका स्पेड है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ दिस इज कॉल्ड एज एस, एस कार्ड, एस मतलब इक्का, हिंदी में हम इसको इक्का बोलते हैं ना, कभी कार्ड खेला होगा किस, आपने कभी ना कभी तो खेला होगा, सो दिस इक्का इज कॉल्ड एज एस, दिस इज कॉल्ड एज किंग क्वीन एंड जैक, जैक क्वीन एंड किंग, राजा रानी और क्या बोलते हैं इसको, गुलाम बोलते हैं आप लोग हिंदी में आई थिंक सो, हाँ राजा रानी गुलाम, बट एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा हाउ मेनी राजा आर देयर, हाउ मेनी इक्का आर देयर, ऐसा नहीं आएगा, दे विल बी आस्किंग लाइक दिस, किंग क्वीन जैक एस, ये सारे नाम पता होने चाहिए आपको। नाउ दीज कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दीज कार्ड आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेस कार्ड्स, बिकॉज यहाँ पे फेस है ना, इनके पास फेस है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स कितने हैं टोटल, एक 52 पैक के कार्ड में कितने हैं, देखो थ्री, ये थ्री हो गया, 1 2 3 4, देर आर 12 फेस कार्ड्स, ओके 52 में से 12 गया तो कितना बचा, 40, 40 नॉन फेस कार्ड्स आर देयर एंड 12 फेस कार्ड्स आर देयर, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एंड दिस कार्ड के ऊपर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी मेड, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। हाँ तो फिलहाल हम बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक का, चलो टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है आपका कार्ड्स के ऊपर, विच इज अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस कार्ड। बच्चों एस कार्ड कितने, चलो ये वाले क्वेश्चंस हम ओरली करें, यू विल टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स फर्स्ट, टोटल एस कार्ड्स कितने, और यहाँ पे देखो वर्ड प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज लुक फॉर द वर्ड प्रोबेबिलिटी, डू वी हैव प्रोबेबिलिटी वर्ड, यस, तो आंसर अपॉन में लिखना पड़ेगा। लेटर से ये इवेंट को मैंने एन ऑफ ए नाम दिया है ना, इवेंट ए है ये, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस का आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे। एस कार्ड मेरे पास चार है, टोटल कार्ड मेरे पास 52 है, तो 4/52 क्या कैंसिल होता है, 4/52 यस, 4 1s are 4, 13s are, यस और नो स्टूडेंट्स, तो 1/13 शुड बी द आंसर, ठीक है। स्पेड कार्ड, स्पेड क्या होता है, ये तो नया नाम हो सकता है, अभी मैंने जस्ट बताया आप लोगों को, देर आर स्पेड कार्ड्स ऑल्सो इन द पैक ऑफ
52 cards. How many cards do we have? We have, yes, Krishna correctly said, Aditya. 13 spade cards are there. So 13 spade cards और मेरे पास total 52 cards है, तो 13 upon 52 क्या आना चाहिए आंसर? आदित्य सही बोला, आदित्य, लेस्टर कोइचिनो, नंदिनी, 13 upon 52 is nothing but 13 ones are 13, 4s are 52 होता है, so 1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है बच्चों, let A be the event, let B be the event, ये सारा कुछ लिखना. बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये दो लाइन लिखते हैं और उनको लगता है कि फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट. अच्छा, किसी को कोई डाउट क्वेरी इस ये क्वेश्चन में तो पूछ लो अभी. एनीबडी इज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? नो डाउट्स, कृष्णा ही बोल रही है, नो, व्हाट अबाउट अदर्स? सबको समझ में आ रहा है? ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड देन. हाँ, मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये आपके सेमी प्रीलिम में भी पूछा था, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये. अ बास्केटबॉल बॉल प्लेयर जॉन वसीम आकाश वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बास्केट. बॉल ड्रॉप क्या होता है बाय द वे? बास्केटबॉल में जब आप सिंगल हैंडेडली बास्केट करते हो ना, उसको बॉल ड्रॉप कहते हैं. आई होप सबको पता होगा, नहीं खेला होगा तो मैंने बता दिया है, ठीक है? हाँ, सम अभी नहीं लिखना है दिव्य, मैं बताऊंगा. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन वसीम एंड आकाश आर 4/3, 0.83 एंड 58% रिस्पेक्टिवली. हु हैड ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन लोगों का बात किया है लोगों ने, जॉन, वसीम और कौन है, आकाश, ठीक है? ये उनका सक्सेस का कुछ डेटा दिया है लोगों ने. बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज ऑल द डेटास आर नॉट इन सेम फॉर्म ना. पहले वाले का अपॉन के फॉर्म में दिया है, सेकंड वाले का डेसिमल में दिया है, थर्ड वाले का परसेंटेज में दिया है. इफ ऑल थ्री ऑफ देम वुड हैव बीन ऑन द सेम पेज, लाइक तीनों का परसेंटेज में सक्सेस दिया है या डेसिमल में दिया है या अपॉन में दिया है, तब तो हम कंपेयर करके बता सकते थे. तो आवर फर्स्ट जॉब इज गोइंग टू बी टू गेट ऑल द थ्री गाइज ऑन द सेम पेज, ठीक है? तो आई विल से लेट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/5. 4/5 ना, मैं डेसिमल में तीनों को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? सो न्यूमरेटर का नंबर आपका हमेशा ये होता है ना, डिवीजन के साइन के अंदर जाता है, ठीक है? एक सेकंड, कहाँ गया? मैं थोड़ा सा फास्ट चला गया, जस्ट अ सेकंड ना स्टूडेंट्स. 4/5 अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आता है 0.83, ठीक है? देन पी ऑफ बी आपको ऑलरेडी दिया, एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, 4/5 यहीं पे था, सो सॉरी. 4/5 अगर आप डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर आपका डिविडेंड बनेगा और डिनोमिनेटर आपका डिवाइजर बनेगा. सो यहाँ पे देखो, डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर, तो यहाँ पे आपको 4 को 40 बनाना पड़ेगा, 40, सो 0.8 ना, 0.8 आंसर आएगा, ठीक है? सो पी ऑफ ए आपका हो गया 0.8. P of B already decimal में दिया है, P of C decimal में convert करना है. 58% means what? 58 upon 100. So अगर इसको आप decimal में convert करोगे, you will get 0.58. Now see, all of them are on decimal, right? Decimal में आ गए तीनों के तीनों. अब बताओ कौन सा सबसे बड़ा number दिख रहा है बच्चों? कौन सा बड़ा है number सबसे? 0.83. हाँ, P of B सबसे बड़ा number है. P of B सेकेंड नंबर पे है. सेकेंड यानी कौन सा हुआ, कौन सा नाम सेकेंड पे है? वसीम. तो वसीम का सक्सेस सबसे ज्यादा है, सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा है. सो आई विल से P of B इज ग्रेटर देन, P of A इज ग्रेटर देन P of C. देयरफॉर वसीम हैज द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. एनीबडी इज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क. किसी को कोई डाउट तो अभी पूछ लो. चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूं. आपको मैं एक मिनट दे रहा हूं, हाँ, कॉपी करने के लिए.
ओके आई होप सबका कॉपी करके हो गया है. एनीबडी स्टिल राइटिंग? या आई वॉज ऑन म्यूट बिकॉज आई गेव यू टाइम टू राइट स्टूडेंट्स. ठीक है चलो शुरू करते हैं. वी हैव ओनली फ्यू सम्स लेफ्ट फॉर द डे. So within next 10-15 minutes, we'll just, next 10 minutes maybe, we'll wind up. We just have three more MCQ questions. Haan, but ye bahut important question hai bachcho. Haan, choose the correct alternative. Dekho, probability easy chapter hai. Yahaan pe na MCQ mein aapko examiner ghuma sakta hai. Haan? Question is, which number cannot represent a probability? By the way, students, for your knowledge, probability is always between 0 to 1. Probability is always between 0 to 1. वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता. ठीक है तो चलो अगर आप 2 by 3 को divide करोगे answer 1 से छोटा ही आएगा. 15% मतलब अगेन ये 1 से ही छोटा आएगा. 15 upon 100 0.15. 0.7 is also less than 1. 1.5 है ना. 1.5 1 से बड़ा number है. Probability can never be greater than 1. So that's why your answer is going to be 1.5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर चोजन फ्रॉम 1 टू 100 इज अ प्राइम नंबर. ये वाला मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखो बच्चों. ये सैंपल स्पेस लिखो. मैं ज्यादा नहीं लिखने बोलूंगा आपको है ना बिकॉज एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये सैंपल स्पेस जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे ये आप लिख लो. इट विल हार्डली टेक 1 मिनट ऑफ टाइम. टॉपिक क्या देना है आपको? सैंपल स्पेस ऑफ prime numbers from 1 to 100. Prime numbers from 1 to 100. By the way, 1 is not a prime number. I hope you all are aware. तो ये इतना ही copy करना. ये भी नहीं करना है बच्चों. Don't write this. Just copy this much and एक बार हो जाएगा तो मुझे done लिख देना chat box में. D लिखो या done लिखो. हाँ, someone is asking in sample space we will have all the numbers from 1 to 100. Yes, you will have. But this question is an MCQ question, na? So why you want to worry about the sample space also? You just have to write the option in the answer. Okay, done. Copy किया ये. अब आपको by heart कर लेना है घर जाके इसको. घर जाके मतलब अभी तो घर पे ही हो. जब भी आप एलजेब्रा पढ़ोगे प्रीलिम्स के लिए इसको बाय हार्ट कर लेना. ठीक है. लेट अस से अगर ये एमसीक्यूज में ना पूछ के मेन क्वेश्चन में पूछ लिया तो तब क्या करोगे? ये एलिमेंट्स भी तो दिखाना पड़ेगा आपको क्या क्या एलिमेंट्स हैं. अब हमारे नंबर्स का नॉलेज इतना स्ट्रांग नहीं है ना कि हमें पता होगा 83 इज अ प्राइम नंबर और नॉट. 89 इज अ प्राइम नंबर और नॉट. वी मे गेट कंफ्यूज राइट. तो इसको बाय हार्ट कर लेना है. सिंपल है. ओके सो कितने हो गए एलिमेंट्स? देयर आर 25 एलिमेंट्स. सो n ऑफ a यहां पे 25 सॉरी n ऑफ a क्या है? 25 अपॉन 100 व्हिच इज नथिंग बट 1/4. इज नथिंग बट 1/4. ठीक है बच्चों चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड देन वी विल एंड टुडेस लेक्चर. चूज करेक्ट अल्टरनेटिव. इफ n ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 p ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/5 देन n ऑफ s. देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है. They have already given us the probability. इसको rough work में solve करके मैं आपको बताता हूँ. Exam में please solve मत करना MCQ students. I have seen while checking कुछ बच्चे solve करते हैं और मैंने marks cut किया हुआ है. ठीक है. P of A is equals to 1/5 लिख दिया जो given था. N of A का value हमने substitute किया. N of C, N of S I don't know. So now if you cross multiply, N of S आपका left में जाएगा. 1 into N of S in N of S only is equals to 2 into 5 which is 10. एन ऑफ एस आ गया 10. मिल गया आंसर. फिनिश. फाइन. ऑलराइट सो थैंक यू वेरी मच. दिस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड स्टूडेंट्स. इफ एनीबडी हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट फील फ्री टू आस्क. अदरवाइज वी कैन एंड टुडेज लेक्चर. ठीक है. सो वंस अगेन आई विल रिपीट हाउ टू
सॉल्व योर क्वेरीज, पहले अपना एमटी का नोट्स पढ़ लो, वहां देखो, नहीं समझा तो रोबोमेट देखो, फिर भी नहीं समझा तो जस्ट कोऑर्डिनेट विद योर सेंटर हेड्स, दे विल कनेक्ट यू टू मी. ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून.